जय श्री कृष्णा। चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का महात्म। युधिष्ठर जी पूछते हैं, भगवान फागुन शुक्ल पक्ष आमल की एकादशी का महात्म मैंने श्रवण किया, अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। तब हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाश करने वाला वृतांत बताऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मांधाता के पूछने पर महर्षि लोमश जी ने कहा था। मांधाता बोले, भगवान मैं लोगों के भले की इच्छा से ये सुनना चाहता हूं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है, उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा कर ये सब बताएं। लोमस जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, चैत्र रथ नाम का एक सुंदर वन जहां अप्सराएं आती थी, गंधर्वों की कन्याएं सेवकों के साथ बाजे बजाते घूमती थी। मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा वहां मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और सुंदरी अप्सरा को इस तरह गीत गाते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके पास आई, वीणा नीचे रखकर और मोहपाश में बंध गए। मेधावी भी उसके साथ मोहग्रस्त हो गए। कामवश रमण करते उन्हें दिन रात का भान न रहा। इस तरह मुनिजन उचित सदाचार का लोप हो गया और कई दिन गुजर गए। सात संगत जी, गिरने में कुछ भी समय नहीं लगता, आप सीढ़ियों से अगर आप चढ़ते हो तो चढ़ते चढ़ते एक दो तीन चार फ्लोर ऊपर चढ़ जाओ, दस फ्लोर चढ़ जाओ तो समय लगता है, लेकिन वहां से अगर दो पैर बस छत से चढ़कर नीचे कर दें तो गिरने में कितना समय लगता है। इसी तरह साधन करने में समय लग जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हम गलत संग करें तो गिरने में दो पल भी नहीं लगते। इसलिए सावधान, जीवन अनमोल है और संग सोच समझ कर करना चाहिए। दिन रात प्रभु की शरण में रहकर भगवान को पुकारना चाहिए। देखिए कितने दिन गुजर गए और अचानक एक दिन मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी ने कहा, देवी जब तक सुबह की संध्या हो जाए तब तक तो रुक जाओ, क्योंकि मेधावी मुनि को लग रहा था कि अभी एक ही रात चल रही है। तब अप्सरा ने कहा, विप्रवर अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई, अरे मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र अचरज से चकित हो गए। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि अप्सरा के साथ रहते रहते एक दो दिन नहीं, एक दो महीने नहीं, एक दो साल नहीं,
बल्कि 57 वर्ष गुजर गए। 57 ईयर्स उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी जा, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर कहने लगी, विप्रवर मेरे शाप का उद्धार कीजिए। अरे 7 वचन बोलने या 7 कदम साथ चलने पर भी संतों के साथ दोस्ती हो जाती है, मैत्री हो जाती है, और मैं तो आपके साथ 57 वर्ष रही हूं। स्वामिन मुझ पर कृपा करें। तब मुनि ने कहा, भद्रे मेरी बात सुनो, क्या करूं, तुमने मेरी बड़ी भारी तपस्या नष्ट कर डाली है, लेकिन ध्यान से सुनो किस तरह शाप से तुम्हारा उद्धार होगा। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी, वह सब पापों का क्षय करने वाली है। हे सुंदरी, उसका व्रत करने पर तुम्हारी पिशाच की काया ये योनि दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। इनके पिता का नाम च्यवन ऋषि, जिनके नाम से आजकल च्यवन प्राश बनते हैं, ये वही च्यवन ऋषि है। उन्हें आया देखकर च्यवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया, तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी ने कहा, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पाप किया है, कोई प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पापों का नाश हो जाता है। पिता के ये वचन सुनकर मेधावी ने एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया, इससे उनका पाप नष्ट हो गया, पुनः तपस्या से भरपूर हो गए। और इसी तरह मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। साथ संगत जी ध्यान दीजिए कि 57 वर्ष जो ब्रह्मचर्य भंग करने की वजह से नष्ट हो गए, उनका साधन भजन सुमरण 57 वर्ष का केवल एक एकादशी का पालन करने से वापस मिल गया। यहां तो 57 वर्ष है, पर एकादशी महात्म में आप जब श्रवण करते हैं तो पता पड़ता है कि 10,000 साल की तपस्या एक तरफ और एक एकादशी का लाभ एक तरफ। फिर भी एकादशी भारी है क्योंकि उसके अलावा भी कई लाभ होते हैं, इसीलिए हर एकादशी का पालन करना चाहिए। अन्न का त्याग कर जल फल दूध लें, और अगर आप एकादशी नहीं भी रख सकते तो इतना जरूर कीजिए कि जल फल आदि एक नहीं दो बार चार बार लें, लेकिन अन्न का त्याग जरूर करें। इस दिन अन्न खाने से अपराध होता है क्योंकि एकादशी की तिथि में अन्न में कीड़ों का वास होता है, इसलिए एकादशी का पालन जरूर जरूर करना चाहिए। ये भक्ति का उपवास है, ये केवल व्रत नहीं बल्कि महान भक्ति है। एकादशी करने वाले को यमदूत देख भी नहीं सकते, निहार भी नहीं सकते, उसी की कभी भी दुर्गति नहीं होती। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको श्रवण करने से पढ़ने से सहस्त्र गौदान का लाभ मिलता है। आपने श्रद्धा से सुना प्यार से तो आपको 1,000 गायों के दान करने का लाभ मिलेगा।
और नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए, ये सच्ची बात है। इतना ही नहीं, ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, सुरापान यानी नशा करना, शराब पीना, गुरु पत्नी व्यभिचार करने वाले जो महापाप होते हैं, ऐसे महापापी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है, इसलिए सात संगत जी एकादशी का पालन आप भी करें। और ये महात्म केवल श्रवण करने से हजार गौदान का लाभ है, तो आप भी सुने और सबको सुनाएं। ये पवित्र श्री हरि की सेवा करें और सतत निःशुल्क श्रवण करने के लिए संपर्क करें 9329642139 और 9827903570 पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी मैया की जय। गौ माता की जय। आज के आनंद की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान बाबा धनुराम बाबा आनंद राम बाबा भगत राम साहब की जय। श्री वरुण देव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।